मैं हिना कुमावत फिल्मिंडो पर आपके लिए आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर आई हूँ। दरअसल फिनाले की तरफ जो है गेम जा रहा है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अब जो गेम है हर सदस्य जो है अपना अपना स्ट्रॉन्ग कर ले, नहीं तो कभी भी किसी का भी पता कट सकता है। आज का एपिसोड देखने के बाद पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं टॉप फाइनलिस्ट देख पा रही हूँ, जो मुझे लग रहा है कि ये 5 लोग फाइनल में होंगे ही। आसिम और सिद्धार्थ तो कंफर्म है ही, एक तो इनको इम्यूनिटी भी मिल गई है और इस हफ्ते अगर उनका उसने यूज़ कर लिया तो नेक्स्ट वीक वो फिनाले में है ही। मुझे एक और कंटेस्टेंट आज के एपिसोड के बाद लग रहा है कि वो फिनाले की तरफ ज़रूर जाएगा, उसका लक भी बहुत साथ दे रहा है, और वो मुझे लगती है आरती। आरती पिछले हफ्ते बॉटम में होने के बावजूद जो है इम्यूनिटी की वजह से, क्योंकि घर के जो कनेक्शन आए हुए हैं उनको चुनने का अधिकार था विशाल या आरती में से, उन्होंने आरती को चुना। तो आरती का मुझे लग रहा है कि लक भी बहुत साथ दे रहा है, और जिस तरह से लगातार वीकेंड का वॉर में उनको लगातार, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे वीकेंड का वॉर नज़दीक आ रहा है सलमान खान ने भी उनकी तारीफ़ करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा भी दिखने लग गई शो में। या मुझे ये लगता है कि आरती ने भी धीरे धीरे अपना गेम स्ट्रॉन्ग किया, जब वो एलीट क्लास का जो टास्क था उसके बाद जो है बाल काटने का हो या मिर्ची का टास्क हो, और उससे पहले भी जिस तरह के धीरे 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 उन्होंने मुद्दे पकड़े, पहले वो इंडिपेंडेंट खेल रही थी लेकिन बाद में जो है उनको फिर रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे लोगों के बीच में घुसने की ज़रूरत है, मुद्दों में घुसने की ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो वो मुझे लगता है कि आरती मुझे लगता है कि टॉप फाइनल में ज़रूर जाएंगी। रश्मि देसाई, दरअसल रश्मि देसाई के साथ क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है ना उनके साथ सिंपथी फैक्टर आता जा रहा है। पहले जब वो थी तो सिद्धार्थ के साथ उनकी नहीं बनती थी और इस तरह का परसेप्शन हो गया था लोगों का कि सिद्धार्थ ने उनके साथ कुछ गलत किया है, उसके बावजूद वो एक घर में एक छत के नीचे सिद्धार्थ के साथ रह रही है, तो जो है उनको बहुत ही ज़्यादा लोगों का ये मिल रहा था। हालांकि वो एविक्ट भी हुई थी लेकिन मुझे लगता है कि वो जो एविक्शन हुआ था वो उनकी अपनी ही गलती की वजह से हुआ था, जो सलमान खान ने भी बोला था वो उस हफ्ते एविक्ट नहीं होती। और उसके बाद अरहान आए, अरहान का बच्चा है, शादी है, बहुत सारे मुद्दे हुए, फिर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ऐसी लड़की वैसी लड़की हो गया, और अब जब लग रहा था कि सब कुछ शांत हो गया फिर हिमांशी की बात निकली और फिर से ये साफ हो गया कि अरहान जो है उन्हें बहुत ही चीट किया है उन्होंने, और जो है रश्मि को ये भी नहीं पता था कि अरहान शादीशुदा है और उन्होंने एक पार्टनर को अपने, जिनको वो चाहती है, पार्टनर नहीं बोलूँगी मैं, एक ऐसा शख्स जिनको वो चाहती है कि उनकी ज़िंदगी में आगे चल के उनका जीवन साथी बन सकता है, उनको उन्होंने एक मौका दिया और ये नेशनल टेलीविज़न पर बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि हाँ मुझे पता है कि शादी है। तो आज जो ये पॉइंट बाहर आया ना, तो मुझे लगता है कि उनका एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट बाहर आया कि लोगों को ये लगेगा कि बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, कि देखिए कि कितना अपने जिसको कमिट कर रखा है उन्होंने अपनी लाइफ में, उसको बचाने के लिए वो ख़राब ना दिखे, उन्होंने जो है सब बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली। तो यहाँ जो है क्योंकि क्या है, जब हम शो देखते हैं ना तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गेम की तरह जज नहीं करते, वो ये सोचते हैं कि हाँ इसके साथ ऐसा हुआ है फिर भी ये कितना सह रही है, चलो इसको वोट दो। तो मुझे लगता है कि वो बहुत काउंट करता ही है सिंपैथी फैक्टर, आप कितना भी मना कर दे लेकिन वो करेगा ही और वो होगा, मुझे लगता है कि रश्मि के वोट्स पे रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। पांचवी सना, मतलब उसमें तो मुझे लगता है कि कोई बहस की बात ही नहीं है, मुझे लगता था कि वो जाएंगी ही जाएंगी और वो जाने वाली हैं। वो आज कटघरे में खड़ी थी जहाँ सब लोग जाकर एक दूसरे से लड़ रहे थे और वो जो है एकदम कैजुअली लेकर आ गई, मुझे लगता है उनसे कोई ना लड़ने का मुद्दा ले ही नहीं सकता है, उनको सिर्फ एक ही चीज़ है, आप मुझे एंटरटेन करो मैं आपको एंटरटेन करूँगी, आप मेरे से अच्छे से रहो मैं आपसे अच्छे से रहूँगी। रश्मि ने ये बोला वो बोला, हाँ कोई बात नहीं मुझे भी बताया था, विकास ने ये बोला तो ठीक है ना मैं तो इमोशनली अटैच हूँ। तो सना की ये जो क्वालिटी है ना, मुझे लगता है कि घर जो दर्शक इस सीज़न को शुरू से देख रहे हैं ना वो ये सोचेंगे कि इस तरह का एंटरटेनमेंट जो है, बबलीनेस जो है, हमें क्यूटनेस जो है हमें लास्ट तक देखने को मिले। मैं भी इस सीज़न को बिना सना के इमेजिन नहीं कर सकती, मतलब अगले 2 हफ्तों में अगर सना ना रहे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो बिग बॉस सीज़न देखना छोड़ देंगे। तो ये 5 सदस्य मुझे लगता है कि बहुत आगे जाने वाले हैं, मतलब फिनाले तक, बहुत तो क्या अब तो 2 ही हफ्ते बचे हैं। तो इन 5 सदस्यों को आज के बाद मुझे बहुत क्लियर पिक्चर लगता है कि ये ही जाएंगे, हालांकि मुझे पहले भी यही लग रहे थे लेकिन जैसे आज वीकेंड का वार में ये चीज़ें इन लोगों को प्रोजेक्ट किया गया है उससे मुझे और साफ़ हो गया है कि ये 5 लोग कंफर्म ही हैं। ऐसे में पारस माहिरा भी डार्क हॉर्स बनकर आगे जा सकते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये गेम है। पिछले हफ्ते तक हमें लग रहा था कि विशाल ऊपर है आरती नीचे है लेकिन
एक मिनट में जो है गेम पलट जाता है यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये 5 मुझे लग रहे हैं, आपकी पसंद कुछ और हो सकती है, क्योंकि मुझे माहिरा में भी लगता है कि वो अगर इतना हद तक टिकी है तो उनमें भी जागने का पोटेंशियल है, अपारस में भी है। लेकिन टॉप 5 में कोई 5 ही सदस्य जाएंगे, इसलिए मैं 5 सदस्यों का नाम ले रही हूँ। और अगर अब मैं बात करूँ वीकेंड का वार की, तो वो जो टैग हिना खान घर के अंदर आई थी, सबको एक एक जो है पहनाना था, तो ये तो आपको पता चल ही गया कि बेगम कौन है, बादशाह कौन है और जोकर कौन है, और क्या था, बेगम, बादशाह, जोकर, अच्छे 5 टैग्स थे ना, इक्का, गुलाम। मतलब मुझे लगता है कि इन सब में एक वो शख्स जिसको सबने जोकर में भी डालने की कोशिश की, गुलाम में भी डालने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वो इक्का बनकर निकल गया और वो थे आसिम। तो कहीं ना कहीं घर के अंदर जो है इन जब टाइटल्स को देने की बारी आई थी तो बहुत ही झगड़े होते हुए दिखाई दिए। सब चाहते थे विशाल आदित्य सिंह जोकर बने, कोई कह रहा था आसिम जोकर है, कोई कह रहा था शहनाज भी जोकर है, क्योंकि लोगों को हंसाती रहती है। इक्का की बारी आई तो लोगों को था पारस और आसिम, लेकिन हिमांशी के पास लास्ट वोट था और उन्होंने जो है आसिम को दे दिया इक्के का वोट। और जो गुलाम की मैं बात करूँ तो माहिरा को गुलाम बोला गया और आसिम को भी, कि आप पहले सिद्धार्थ के चले थे, उसके बाद जो है रश्मि के, फिर अभी जो है हिमांशी आई उसके बन गए हैं। लेकिन आखिरकार माहिरा को ये मिला गुलाम का टैग। उन्होंने बोला कि मैं बहुत गर्व के साथ लेती हूँ, अगर दोस्ती को अगर बोला जाता है कि दोस्ती नहीं ये गुलामी है तो मुझे कोई नहीं है, मैं प्राउड फील करती हूँ। तो यहाँ बात आई गई हो गई। सलमान खान की एंट्री होती है, सलमान खान एंट्री के साथ ही जो है बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं, रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। आज 3-4 रिलेशनशिप उन्होंने घर के अंदर क्लियर किए। पारस और माहिरा के बारे में जिक्र नहीं हुआ आज वीकेंड का वार में, मैंने देखा कि बिल्कुल भी उनके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं हुआ। आसिम हिमांशी, सिद्धार्थ सना और तीसरा रिलेशन रश्मि और अलहान। आपने देखा कि किस तरह से इन सभी रिलेशनशिप के कितने शेड सलमान खान ने आज खोले हैं। मतलब हिमांशी से बोला कि अगर तुम एक रिश्ता तोड़ के घर के अंदर आई हो, आसिम के लिए आई हो ना, तो किस बात का इंतज़ार कर रही हो, बोलो। और उनको बोलना पड़ा। तब सलमान ने बोला इस तरह से बातें निकलवाई जाती हैं। लेकिन उन्होंने आसिम की भी डांट लगाई कि तुम अगर बोल रहे हो कि मैं बाहर जाकर चीज़ों के बारे में बात करूँगा, बहुत सारी चीज़ें आसिम अगर नेशनल TV पर नहीं ओपन करना चाहते तो वो हिमांशी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो करें। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर अच्छी हुई, गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँगी, कि लोगों को लग रहा था कि आसिम जो है, विकास ने भी बोला था कि वो फूल लग रहा है, सलमान खान ने भी आज स्टेज से बोल दिया कि तुम फूल लग रहे हो जिस तरह से तुम कर रहे हो, तो बहुत ही गलत मैसेज जो है बाहर जा रहा था कि हिमांशी को कनेक्शन बनकर बुलाया ही क्यों गया था, क्या इसलिए कि वो अपनी चीज़ें आकर इस प्लेटफॉर्म पर क्लियर करे। देखिए मेकर्स ने बहुत पैसा दिया है हिमांशी को भी, और इस शो के अंदर वो आसिम का कनेक्शन बनकर आई थी, लेकिन वो आसिम का कनेक्शन कहीं लग नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था, सलमान ने एक लाइन बोली कि यहाँ पर लोग जो अपने घर वालों को सपोर्ट करने आए और कुछ अपने को सपोर्ट करने आए हैं, तो शायद वो इशारा जो था हिमांशी की तरफ था। और बाद में जो है उन्होंने हिमांशी को भी बोला कि तुम आई थी तो इसको, इस बात को बोलने में क्या देर हो रही थी। लेकिन हिमांशी का भी मैंने एक, आपने देखेंगे कि एक वीडियो डाला है, इंटरव्यू डाला है, उनको भी आसिम के किसी क्लोज ने बात करने के लिए मना किया था, तो उनकी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी या उनके अपने भी कुछ कमिटमेंट जो वो बाहर देकर आई थी, और जब वो लोग घर के अंदर गए तो बोला गया कि बाहर की बातें नहीं करनी, तो उन्होंने वो बात नहीं की, लेकिन वो बात कर दी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और वो थी अरहान वाली बात। रश्मि के साथ जो रिश्ता था और जिस तरह की बातें हुई, बहुत शॉकिंग है कि रश्मि को नहीं पता था कि अरहान की शादी भी हो चुकी है, और उसके बावजूद अगर अरहान इस बात का दावा करते हैं कि नेशनल टेलीविज़न पर रश्मि देसाई उनकी इज्जत को बचा सकती थी, उनको नीचे गिरने से बचा सकती थी, तो आई एम रियली सॉरी। अगर ये सारी चीज़ें रियल हैं, यही रियल सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि सलमान खान का गुस्सा, रश्मि देसाई का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, कुछ गलत नहीं था। लेकिन हो सकता है कि अरहान के भी अपने पॉइंट्स रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी घर उधर वीकेंड का वार में, या मैं कहूँगी कि घर के अंदर, जो शायद अरहान को लगी हो कि गलत थी और वो उन चीज़ों को टाला जा सकता था। तो लेकिन इन सारी चीज़ों से क्या हुआ है, इन सारी चीज़ों से मुझे लगा है कि रिश्ता, अगर मैं कहूँ तो रश्मि का गेम बहुत स्ट्रांग हुआ है। गेम स्ट्रांग करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप घर में लड़े करें, गेम स्ट्रांग आपका तब भी माना जाता है जब आपका वोटर, यानी जब आपका ऑडियंस, जब आपका व्यूअर जो आपको वोट करना चाहता है, वो इन्फ्लुएंस होकर आपके लिए वोट करे। तो आज जो रश्मि के साथ चीज़ हुई है, उसके बाद जो है ये जो है वोटर जो है वो इन्फ्लुएंस होगा और रश्मि के लिए वोट करेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो ये मुद्दा है वो रश्मि के फेवर में जाएगा। आरती और सिद्धार्थ शुक्ला,
कश्मीरा शाह मुझे लगता है इस बात की पूरी तैयारी करके आई थी कि आरती का कनेक्शन जो है वो सिद्धार्थ के साथ वो कर ही देंगी, और इसी बात को जो है सलमान खान ने उठाया। मुझे लगता है कि सलमान खान ने ये बात इसलिए उठाई क्योंकि आरती के साथ जब कश्मीरा ने ये बात बोली, नेशनल टेलीविजन पर बोली, तो बहुत सारे लोग जो है आरती का नाम सिद्धार्थ के साथ जोड़ने लगते थे, और सलमान शायद ये नहीं चाहते थे कि ये चीज़ें हों। और क्योंकि मैंने देखा है कि सीज़न में ना वो लोगों की इमेज को लेकर बहुत ही ज़्यादा मुझे कंसर्न दिखाई दिए कि किसी की भी जो इमेज है या बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, मतलब गलत रीज़न की वजह से। रिलेशनशिप में लोग लॉयल रहे, तो उन्होंने आरती को बोला, वो मंगाया स्टोरेज रूम से जिसमें माला वगैरह सब पड़ा था, और फिर उन्होंने कश्मीरा से बोला, तो कश्मीरा ने बोला मैं तो तैयारी करके आई थी और मैं तो चाह रही थी, मैंने आरती से पूछा कि तू कंफ्यूज लग रही है, क्योंकि जिस तरह से बाहर तू सिद्धार्थ का ख्याल रखती है और इन सब चीज़ों से तो लगता है कि तुम सिद्धार्थ को प्यार करती हो। तो फिर सलमान खान ने आरती से पूछा कि आरती क्या है, तो उन्होंने बोला नहीं सर, मेरा टेम्परामेंट बिल्कुल भी मैच नहीं होता, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो कन्फ्यूज़ जब बोला कश्मीरा ने, तभी आरती ने बोला नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं बोलो। तो आरती बहुत सॉर्टेड लगी मुझे, बहुत ही सॉल्व लगी कि नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला बहुत शांत थे, उन्होंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया इस बात पे, एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि उनको पता चल रहा था कि उनके साथ शादी की बात की जा रही है, आरती को जोड़ा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद नहीं बोले। कश्मीरा ने बोला कि मुझे सना के साथ वो रियल लगते हैं, लेकिन आरती के साथ वो जो है गेम अच्छा बॉन्डिंग बनाकर चल रहे हैं। तो फिर सलमान खान ने आरती से पूछा, आरती ने बोला नहीं, और कहीं आगे जाके सलमान खान ने बोला कि आरती तुम्हें जो मिलेगा इस घर के बाहर मिलेगा और बहुत ही अच्छा मिलेगा और तुम खुश रहोगी। तो कहीं ना कहीं सलमान खान ने भी आरती को इस बात का संकेत दे दिए कि घर के अंदर किसी को भी मत ढूंढो, तुम्हारे लिए जो है परफेक्ट हस्बैंड बाहर ही मिलेगा। और कुछ समय पहले उन्होंने आरती को ये बात बोली थी कि तुम बहुत अच्छा खेल रही हो, सही जा रही हो। आज आरती ने बोला सर आपने वो बात बोली, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस गेन हुआ। उन्होंने आरती को बोला कि तुम बेवकूफ़ हो या महान हो, तुम्हारे हाथ में इम्यूनिटी आई थी तुमने छोड़ दी, जब तुम टिकट टू फिनाले का टास्क आज तक बिग बॉस के सीज़न में नहीं हुआ है कि ऐसे रद्द हुआ हो, तो तुमने ऐसा क्यों किया, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, तुम यहाँ खेलने आई हो, ट्रॉफ़ी के लिए आई हो। तो आरती को ये समझ में आया। तो कहीं ना कहीं जब वीकेंड का वार ना दर्शकों पर बहुत इन्फ्लुएंस कर जाता है, ऐसे में लोगों को लगेगा कि आरती को सलमान सर का भी सपोर्ट है, तो ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि व्यूवर्स जो है देखता है कि किसको बाहर भी जो है सर भी, मतलब मेकर्स जो है प्रमोट ज़्यादा कर रहे हैं, सलमान खान किसके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो आरती का जो है मुझे लगता है ये जो सारी चीज़ें हुई, उन्होंने आज बोला कि जहाँ बाकी लोग सिद्धार्थ 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 करते रहते हैं, वहीं आरती से जब पूछा जाता है तो उन्होंने बोला नहीं मैं बहुत सॉर्टेड हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रॉन्ग मुझे दिखी कि नहीं, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, लोग ठोक बजाकर भी ये बात बोल देंगे कि नहीं सिद्धार्थ के साथ तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगती है, कुछ भी हो, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं बात करूँगी सिद्धार्थ और सना की। इन दोनों का जो रिश्ता है वो लड़ाई झगड़े सभी का है। सना से आज उन्होंने पूछा कैसा लड़का चाहिए, सिद्धार्थ से पूछा कैसी लड़की चाहिए, उस पर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है। विकास ने कटघरे में बुलाया सना को और बोला कि तुम जो है छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाती हो और उससे सिद्धार्थ का गेम इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर इसके नाराज़ होने से सिद्धार्थ शुक्ला का गेम इन्फ्लुएंस होता है, तो मुझे लगता है कि कटघरे में सिद्धार्थ को आना चाहिए था, शहनाज को नहीं। शहनाज से बोला मैं इमोशनली अटैच हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो मुझे दो हफ्ते और कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखती हूँ, मैं सिद्धार्थ को बोलती हूँ कि तुम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट रखा करो। तो शहनाज ही कितनी बार सिद्धार्थ को बोल चुकी है कि सिद्धार्थ शहनाज की सेल्फ रिस्पेक्ट रखे। तो सलमान ने बोला कि देखो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमें खुद रखनी होती है। तो बोलती है भाड़ में गई दो हफ्ते के लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिद्धार्थ शुक्ला अगर नाराज़ होंगे तो मैं भी नाराज़ हो जाऊँगी। तो इन दोनों का जो रिश्ता है, बॉन्डिंग है, उसी को जो है सलमान खान ने फिर दिखाया। और जो आज शहनाज का जो फेक एविक्शन किया है वो भी इसलिए किया है सिद्धार्थ को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि देखो अगर तुम्हें झटका लगा है कि आज सना जा रही है तो तुम इतने अपसेट हो गए, तो रियल में जाएगी तो क्या होगा, इसलिए अच्छा है मिलकर साथ में गेम खेलो। और मुझे लगता है जब ये दोनों साथ में मिलकर गेम खेलेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा गेम खेल पाएंगे। इसके बाद जो है सलमान खान ने एक और चीज़ का अनाउंसमेंट किया जिसमें उन्होंने बोला, दर्शकों को बोला कि आप बताइए कि आपको किसकी जोड़ी अच्छी लगती है, किसका स्वयंवर देखना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको ये बात बताई थी कि सना का स्वयंवर की तैयारियां हो रही हैं और मेकर्स चाहते हैं सना वो शो करें, तो हो सकता है ये उसी का कर्टन रेजर की तरह जो है उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी हो कि हाँ ऐसा एक शो आने वाला है। और उसमें क्योंकि पूरे घर में उन्होंने सिर्फ सना से ये सवाल पूछा कि आपको कैसा दूल्हा चाहिए, तो हो सकता है कि इस शो के लिए जो है जो शुरुआत हुई और मेकर्स चाहते हो सनाए। हालांकि उनके पिता ने क्लियर किया कि वो ये शो नहीं करेंगे, लेकिन ये जब घर के बाहर आएंगी तभी पता चलेगा।
तो कहीं ना कहीं आज घर के अंदर जो है सलमान खान जिस तरह से वीकेंड का बार में आते हैं, लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं, डांट लगाते हैं, वो सभी चीज़ें देखने को मिली। हिमांशी को भी डांट पड़ी कि तुमने अरहान के लिए गलत किया है, लेकिन आज जो था मुझे लगता है कनेक्शन का लास्ट डे था। कल जो है सभी बाहर चले जाएंगे और मैं आपको बताती हूँ एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ होगी। एक ब्लाइंड कर्टन डाल दिया जाएगा जिससे आर पार दिखे नहीं। उसके बाद जो है सभी घर वालों को बोला जाएगा कनेक्शन को कि आप चले जाओ, और घर वालों को बोला जाएगा कि वो लोग आपसे मिले बिना चले गए, और ये सब बहुत अपसेट हो जाएंगे। लेकिन जो हमें पता चला है वो सिर्फ एक प्रैंक होगा, वो सब गए नहीं होंगे और जो है इन सबको मिलने का मौका ज़रूर मिलेगा। लेकिन क्या है, ये सब पहले तो अपसेट हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, हमें बिना बताए कैसे चले गए, हमें कैसे क्यों नहीं पता चला। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये प्रैंक किया जाएगा। और कल जो है शहबाज जो है घर के अंदर आए हैं तो एकदम एंटरटेनमेंट लेकर आए हैं। एक तो सनाती ही, तो वो मुझे लगता है कि सोने पर सुहागा हो गया जब से शहबाज आए हैं। तो सिद्धार्थ की एक्टिंग, बिग बॉस की एक्टिंग, सब कुछ करते हुए नजर आएंगे, जिसको देखकर सलमान खान लोटपोट हो जाएंगे। तो आज के एपिसोड के बाद मैं इंतज़ार कर रही हूँ कल का। और कल जो है वीकेंड का, वैसे सैटरडे संडे आता है, लेकिन कल जो है 10 बजे आएगा और कल घर का एक सदस्य एविक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है 7 सदस्य रह जाएंगे और कुछ ही दिनों का गेम रह जाएगा। मॉल टास्क बचा है, मॉल में जाना है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मुझे लगता है अलग अलग चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चा होंगी। और मैं कटघरे की जो है बात बताना आपको भूल गई कि किस तरह से कटघरे को मैं बुलाकर सबसे सवाल जवाब किए गए, जिसमें आसिम सिद्धार्थ का क्लैश जो था उसको लेकर क्लियर किया गया शेफाली और आसिम को। सलमान खान ने बोला कि आप दोनों अपनी लड़ाई भूल जाइए। सना जब आई तो उनका जो इश्यूज़ थे वो जो है उन्होंने विकास गुप्ता को जो जवाब दिए वो खुद ही हंसने लग गए कि छोड़िए। और जब रश्मि आई, शहबाज ने सवाल किया था तो रश्मि को भी कुछ वो नहीं हुआ और रश्मि ने बोला कि हाँ मैं वैसी हूँ, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बोला। और सना ने भी बोला कि जो रश्मि जो बात कर रही है वो मेरे मुंह पर भी करती है। तो कहीं ना कहीं सलमान खान ने आज लोगों को एक दूसरे के सामने एक्सपोज भी किया, एक दूसरे को रिलेशनशिप का मतलब भी बताया कि अब 15 दिन रह गए हैं, 15 दिन भी नहीं अगर मैं कहूँ तो बहुत ही कम, 10 से 12 दिन रह गए हैं। तो आप जो है अब एक साथ समझ जाइए एक दूसरे को तो बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि कल वीकेंड का वार में मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि कल जो है जिस तरह की कॉमेडी शहबाज करने वाले हैं वो देखने के लिए, और कल क्या वाकई में ये सारे कनेक्शन हमें घर के अंदर देखने को मिलेंगे या ये वो निकल जाएंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि इस हफ्ते एविक्शन इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि घर के सदस्य आए हुए हैं, इसलिए सलमान खान चाहते हैं कि घर से इस हफ्ते कोई भी सदस्य ना निकले। हालांकि ये न्यूज़ बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं है, ये सिर्फ मीडिया में इस तरह की चर्चा की जा रही है कि ऐसी चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर घर से कोई निकलेगा तो आप भी जानते हैं कौन निकलेगा। और आप क्या चाहते हैं कि टॉप 5 में आपके फेवरेट कौन है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।